jaipurmirrorlife.com के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। लॉकडाउन लगभग लगभग खत्म हुआ है और अनलॉक वन शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी सरकार की कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके अनुसार शादी ब्याह में भी 50 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, और उसमें खासतौर पर बंदिशें की गई है कि फोटोग्राफर्स वो उसमें शामिल नहीं होंगे। अभी पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ था ग्वालियर में, जहां पर एक फोटोग्राफर ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि पिछले 22 मार्च से जब से लॉकडाउन लगा है तब से उसके पास में काम की कमी थी, उसके पास में एक भी फोटोग्राफी के असाइनमेंट्स नहीं थे और जो असाइनमेंट्स थे वो सब कैंसिल हो चुके थे। उसके घर में हालत ये हो गई थी कि उसके घर में फाके पड़ने लग गए थे, खाने पीने की प्रॉब्लम होने लग गई थी। उसने अपनी वाइफ को और बच्चे को वाइफ के पीहर भेजा और उसके बाद में उसने फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या कर ली। क्या ये ठीक है? फोटोग्राफर्स को शादी ब्याह में 50 लोगों में शामिल नहीं किया जा सकता? आज हमारे साथ में है संजय सक्सेना, शाबाश एंड क्रिएशन से। आप फिल्म मेकर भी हैं और उसके साथ साथ आप एक क्रिटिक भी हैं जो समसामयिक विषयों पर अपनी राय प्रकट करते हैं। संजय जी, मुझे ये बताइए, जो लॉकडाउन में 50 लोगों की जो सीमा रखी गई है और इकट्ठे होंगे तो उसमें फोटोग्राफर शामिल नहीं होगा, क्या एक फोटोग्राफर के आने से कोरोना वायरस फैल जाएगा? भाई प्रदेश, बात यह है कि ये जो कोरोना का काल चल रहा है इसमें हमारी सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है। उसने जो भी SOPs जारी किए हैं, जो गाइडलाइंस क्रिएट किए हैं, वो अपनी उनकी खुद की सरकार और प्रशासनिक विभागों की नजर में तो ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि समाज में ऐसे बहुत सारे कामकाज चल रहे हैं जिन तक सरकार और हमारे प्रशासन की नजर ही नहीं जा पा रही। बात यह है कि जब आपने 50 लोगों का को जायज किया है उसे विवाह के लिए, तो पहली बात तो वो फोटोग्राफर जो वहां जाएगा, दूसरे बहुत सारे सेगमेंट है, क्या वो 50 लोग वहां भोजन करेंगे? क्या वो जो 50 लोग हैं वहां फेरे होंगे, पंडित जी रहेंगे, जितनी भी क्रियाएं होंगी सब रहेंगी? मेरा मानना सिर्फ यह है कि वो फोटोग्राफर जो कहीं भी हमारी स्वच्छता, हमारी सतर्कता को प्रभावित नहीं करता है, उसको निश्चित तौर पर समाज में और हमारे जो व्यवस्था है उसमें जल्दी से जल्दी उसको ये अनुमति मिलनी चाहिए कि वो इन विवाह समारोह में, इन उत्सवों में जा सके और ज्यादा से ज्यादा भाग ले सके। विवाह का जो कार्य हो रहा होता है, जो हम समाज के लोगों को एकत्रित कर रहे होते हैं, वो इसलिए कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं विवाह संस्था जो है वो साक्ष्य बना रही होती है समाज के लिए। तो उसी तरीके से वैधानिक जो साक्ष्य बनने में वो जो छायाकार है, वो फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, इनका भी बहुत बड़ी भूमिका है। और मुझे नहीं लगता कि वो दो लोग अगर अपने मुंह पर और लोगों की तरह ही मास्क पहनकर और सैनिटाइज करके और जो सरकार की गाइडलाइंस है उनको पालन करते हुए अगर वहां काम करें तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार की मंशा ये रही हो कि लोग अपने मोबाइल फोन से, जो आजकल डिजिटल गैजेट्स आ रहे हैं, उन्हीं से फोटोग्राफी कर लें, और एक जो आपने बताया कि कानूनी साक्ष्य होना चाहिए फोटोग्राफी या फोटोग्राफ, वो अपने मोबाइल फोन से ही कर लेंगे? और दूसरी चीज है कि क्या फोटोग्राफी को फोटोग्राफर्स के अलावा रिप्लेस किया जा सकता है? या यो कहे कि कहीं सरकार की ऐसी मंशा तो नहीं है कि एक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का जो शूटिंग होता है, फोटोग्राफी होती है, उसमें कई तरह के इक्विपमेंट्स और कई तरह के लोग काम करते हैं, जैसे क्रेन हो गया, ड्रोन हो गया, आपके मल्टी कैमरा सेटअप में कई सारे कैमरामैन हो गए, तो इसका क्या तरीका निकाला जा सके जिससे कि फोटोग्राफर भाइयों की जो एक बहुत बड़ी जमात है, जो बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है फोटोग्राफी की, वो सर्वाइव कर सके, वो एक जिंदा रह सके, वो कम से कम एक ऑक्सीजन ले सके? ये जो दृष्टिकोण है कि हमारे मोबाइल फोन जो हैं उनके अंदर कैमरा आ गया, इसमें कोई शक नहीं कि तकनीक जो है अपने आधुनिकतम रूप में आ चुकी है और बहुत अच्छी क्वालिटी के कैमरे मोबाइल फोन में शामिल किए गए हैं। बच्चे इस समय सेल्फीज लेते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और लोग बाग जो है उसका बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे कितना भी हो, हमारा ये जो वर्ग है
फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर्स जो हमारे भाई हैं, इनको रिप्लेस करने का तो हम कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि तो उसका कारण है, जब विवाह में हम शामिल होने जाते हैं तो आप देखें कि हम इंडिविजुअल लेवल पर जो हमारी आंखें देखना चाह रही हैं हम उसको कैप्चर करते हैं, तो ज्यादातर हम अपने साथ अपनी रेलिवेंसी में दूल्हे दुल्हन की फोटो ले लेंगे, या हम उसमें कोई शामिल हो रहे हैं, या हमारा कोई बहुत क्लोज रिलेटिव है वो शामिल हो रहा है तो हम उसका फोटो ले लेंगे, बट हमें उसके पूरे साथ फेरों का कोई महत्व नहीं है। अगर हमसे वरमाला छूट जाती है तो हमसे उसका कोई महत्व नहीं है। वहां 200 ऐसे ट्रेडिशंस और कस्टम्स हो रहे होते हैं, वो व्यक्ति जिसे आप कोई बहुत बड़ा नहीं छोटा सा पारिश्रमिक देकर लेकर आए होते हैं, तो निश्चित तौर पर वो अपना 100% फोकस इस बात पर रखता है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा इसे कवर करूं इस ओकेजन को, और इसका कोई पक्ष कोई पहलू कोई चीज मेरे से छूटे नहीं। तो ये तो आप छोड़ दीजिए कि ये कभी इस रिप्लेस किया जा सकता है, अगर रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि आप मोबाइल पे भले ही 500 स्टिल्स ले लें, लेकिन लोग कभी मेरे को नहीं लगता वो आज भी एल्बम्स तो वही प्रोफेशनल पैटर्न पे ही बनती हैं, पहली बात। दूसरी चीज आपने कहा कि बहुत लंबी चौड़ी टीम लेकर ये लोग चलते हैं, साथ में इक्विपमेंट्स रहता है इनके साथ, क्रेन है ड्रोन है मल्टी कैमरा सेटअप के अंदर, भाई इसमें कोई शक नहीं है। इस दौर का ये जो फैसला है जिसमें 50 लोगों का ये विवाह चल रहा है, तो यहां हम बात इस बात की नहीं कर रहे हैं, यहां ना मल्टी कैमरा सेटअप की जरूरत है क्योंकि ना वहां स्क्रीन यूज हो रही हैं, एलईडी स्क्रीन यूज नहीं हो रही हैं, दूसरे और जो लाओ लश्कर हैं उनकी भी जरूरत नहीं है। हम बात ये कर रहे हैं एटलीस्ट 2 या 3 लोगों को अनुमति मिलनी चाहिए, एक स्टिल फोटोग्राफर, एक वीडियोग्राफर और एक उसके साथ लाइट मैन, तो ये 3 लोगों का स्टाफ इट इज सफिशिएंट उस ओकेजन की विटनेस के लिए, उस ओकेजन को लीगल फॉर्म कंप्लीशन देने के लिए, और स्वीट मेमोरीज को हमेशा हमारे दिमाग में बनाए रखने के लिए। मुझको लगता है कि इनको तो रियायत मिलनी चाहिए, और अभी ड्रोन और क्रेन और इसकी ना कोई जरूरत है, और ना ही मेरे को लगता है कोई होटल अलाउ करेगा, ना सरकार अलाउ करेगी, और ना करना चाहिए। बात इस बात की है कि अगर उनका प्रोफेशन है तो उसकी जो नीड है वो नीड हमारी पूरी हो, दोनों साइड से, कस्टमर की भी, और दूसरी तरफ क्योंकि इनका पेशा है, इन लोगों का जीवन चलना चाहिए और इन लोगों का परिवार चलना चाहिए, तो उसके लिए उनकी आय और उनका जो जरिया है वो बना रहना चाहिए। तो संजय एक बात आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगा कि सरकार तक फोटोग्राफर भाई अपनी आवाज कैसे पहुंचाए? ऐसा नहीं है कि फोटोग्राफर भाई वीडियोग्राफर्स जो है हमारे ये कोई असंगठित वर्ग है, इनकी एसोसिएशंस बनी हुई हैं छोटे छोटे, लगभग मेरा मानना ये कि ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं फोटोग्राफर भाई जो है वो सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया के साथ भी बना रहता है, तो अगर ये अपनी बात को विधिवत तरीके से एक ज्ञापन की शक्ल में शांतिपूर्ण तरीके से जाकर सरकार मंत्रीगण प्रशासनिक अधिकारी इन लोगों तक पहुंचाएंगे तो सरकार उसको बहुत सहानुभूतिपूर्वक सुनेगी भी, और मेरे को लगता है सरकार जो है उस पर कोई न्यायोचित निर्णय करेगी और बहुत जल्दी इनको राहत मिलेगी। धन्यवाद संजय भाई आपका हमारे साथ में जयपुर मिरर लाइव के साथ में बने रहने के लिए, और दोस्तों इसी के साथ बने रहिए jaipurmirrorlive.com पर। जयपुर की यहाँ की समस्याएं, यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान, यहाँ के पर्यटन स्थल और यहाँ पर आने वाले लोगों के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।